बायपोलर डिसऑर्डर, ये जो मानसिक बीमारी है, इसका इलाज कम से कम दवाइयों के साथ में कैसे करना है, इसके बारे में मैं अभी ये वीडियो में बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। बायपोलर डिसऑर्डर ये मस्तिष्क बीमारी है, मेंटली इलनेस है। इसको दो ध्रुव की बीमारी बोलते हैं, मतलब दो पोल्स है, एक पोल ही है। एक पोल है मैनिया का, एक पोल है डिप्रेशन का। तो व्यक्ति एक तो मैनिया में रहता है, नहीं तो फिर डिप्रेशन में जाएगा, नहीं तो बीच में कभी कभी स्टेबल भी रहेगा। तो कभी मैनिया है, कभी स्टेबल है, कभी डिप्रेशन है, ऐसे दो पोल्स में चले जाता है, एकदम अलग अलग ध्रुव में है। एक है मैनिया, एक है डिप्रेशन। करीब करीब 100 में से एक व्यक्ति को ये बीमारी हो सकती है। इसके कारण जो है वो कारण अलग अलग तरह से बताया जाता है। एक है रासायनिक असंतुलन दिमाग में, फिर दूसरा है अनुवंशिकता, तीसरा कारण जो है वो है नशा करना, धूम्रपान या शराब लेना, उससे वो ये बीमारी की शुरुआत हो सकती है। कारण नहीं है कि वही कारण है करके। इसका उम्र जो है वो 15 से 25 साल में इसकी शुरुआत होती है। इसके लक्षण में एक तो मैनिया है, और मैनिया के लक्षण जो मैंने पहले कई वीडियो में बताए हुए हैं। मैनिया मतलब ऐसा है कि उसमें जोर जोर से बातें करना, बहुत ताकत से बात करना, वो व्यक्ति में बहुत ही एनर्जी दिखती है, बहुत वो घूमेगा फिरेगा, शौक पानी करेगा, पैसा खर्चा करेगा, बहुत खुश रहेगा। बोलूंगा मैं भगवान हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है, मैं भी आगे आने वाला चुनाव लड़ने वाला हूँ, MP बनने वाला हूँ, MLA बनने वाला हूँ। वो जोक्स बहुत काटेगा, वो पैसे बहुत उड़ाएगा। कुछ लोग आध्यात्मिक बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसी इतनी ज्यादा बातें करते हैं, नॉन स्टॉप बातें करते रहते हैं, और फिर उनको लगता है कि अचानक शुरू हो गया तो इसको कोई तांत्रिक उपचार करने में लोग लगे रहते। ये हो गया मैनिया का, कि बहुत खुश रहना एकदम हाई साइड है, और कभी एकदम लो साइड है, दूसरा ध्रुव है, और वो है डिप्रेशन का। और वो डिप्रेशन में उसको लगता है कि भाई मैं उदास हूँ, रोना आता है, आत्महत्या के विचार आते रहते हैं, काम करने की इच्छा नहीं, एनर्जी पूरी निकल गई, उसका एकदम पूरा उल्टा। उसको कुछ बातें अच्छी लगती नहीं है, बात करना अच्छा लगता नहीं है, कहीं काम पे जाता नहीं है, घर में बैठे रहता है। उसको लगता है कि अभी मेरी जिंदगी में कुछ पड़ा नहीं है, इसलिए मैं खुदकुशी करूँ तो अच्छा हो जाएगा, मैंने बहुत पाप किए हुए, बहुत गलती की जिंदगी में मैंने, इस तरह से उसको विचार आते रहते हैं। पूरा नर्वस सैडनेस है, रोना आता है बिना वजह का, नींद में खराबी आती है। जैसे मैनिया में भी उसको लगता है कि कम से कम नींद लिया तो भी अच्छा होता है, उसको ऐसा लगता है, यहाँ नींद नहीं आती डिप्रेशन में। मैनिया में उसको एक दो घंटे नींद लिया तो भी उसको फ्रेश लगता, यहाँ कितनी भी नींद लिया तो भी उसको फ्रेश लगता नहीं है। या फिर कुछ लोगों को जल्दी सुबह में जल्दी जाग आ जाएंगी, नींद खुल जाती है, रात को बहुत लेट तक नींद नहीं आती, ऐसा होता है। और ये ऊपर नीचे इसके मतलब ये ध्रुव हो सकते हैं कि जिसमें मतलब पोल से ये कभी मैनिया है, कभी डिप्रेशन है, कभी नॉर्मल है। अब इसका इलाज जो है वो इलाज तो मूड स्टेबिलाइजर से होता है, मूड स्टेबिलाइज करके इसका इलाज करते हैं। मगर कुछ लोग चाहते हैं कि यदि कम मात्रा में बीमारी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या तोड़फोड़ करना या सुसाइडल थॉट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, तो लोग बोलते कि नहीं इसका इलाज साइकोथेरेपी से हो सकता है क्या, मानसोपचार से हो सकता है क्या। हम उसकी भी कोशिश करते हैं कि भाई उसको समझ ले, उसकी सुन ले, और उसको ये हमारा हम उसका बैकग्राउंड देखते, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फैमिली में क्या टेंशन हो चुका है, ऐसा उसको क्यों लगा कि भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, डिप्रेस क्यों हो गया हो, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है क्या, या कुछ रिएक्ट कर रहा है क्या, बचपन में उसको कुछ मिला नहीं, बचपन में उसको वंचित रखा गया, इसलिए अभी वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बहुत पैसा कमाने की बातें कर रहा है, करोड़ों रुपये खर्च करने की बातें कर रहा है, तो ये बचपन का कुछ हादसा उसको बैठा है क्या। डिप्रेशन के लिए भी, मैनिया के लिए भी ऐसा क्या हुआ बचपन में या बाद में भी, बड़ा होने के बाद में भी, कि उसकी चोट दिमाग पे आ गई और उसने ये मतलब ये बीमारी की शुरुआत उसके दिमाग में हो गई। तो हमको वो देखना पड़ता है, फैमिली का सपोर्ट कैसे ले जा सकता है, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट इसमें होना बहुत ही आवश्यक है। जब मैनिया में है तभी भी फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, जब डिप्रेशन में तभी भी फैमिली का सपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ भी संभव है, कुछ भी पेशेंट कम ज़्यादा कर सकता है। मैनिया में तो घर से बाहर निकल जाना, बहुत बड़े बड़े सौदे करना, खर्चे बहुत करना, उधारी कर लेना, ऐसा कुछ तो भी उटपटांग कामें करते रहता है। तो दवाई दिया, बहुत ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट होता है, मूड स्टेबिलाइज है, अच्छा लगता है उसको, मगर दवाई लेने की इसकी इच्छा ही नहीं है, और उसको वैसे बिना दवाई का अच्छा करना है, तो फिर उसको साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, सपोर्ट उसको देना, और वो कम मात्रा में तो ठीक है, वायलेंट है, अनकंट्रोल्ड है, फिर तो उसको कंट्रोल करने की दवाई की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ऐसा इसका इलाज हो सकता है। हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, वो मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत। आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि काफ़ी लोगों को इसमें एजुकेशन मिल जाएंगे और हम हमारे पार्टनर बन जाएंगे हमारे मिशन में। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लोग हमको ऑनलाइन कंसल्टेशन करते, कॉल्स करते, नीचे नंबर दिए हुए वहाँ हम आपको उपलब्ध है संपर्क करने के लिए। कुछ लोग हमारे यहाँ पेशेंट लेके आते हैं भर्ती करने के लिए, जहाँ हम लोगों को भर्ती करते हैं,
रिश्तेदारों के साथ में रिश्तेदारों के अलावा लोगों को भर्ती करके उनका इलाज हम करते रहते हैं। ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।